हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कटहल की बहुत ही मज़ेदार और रसेदार सब्जी। ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिना कोई काम झाम बहुत ही सिंपल तरीके से बना कर के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी कितनी मज़ेदार बनकर की रेडी हुई है, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो चलिए फटाफट से बना कर के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि यहाँ पे हमें कटहल को सबसे पहले बॉयल करना होगा। तो यहाँ पे पहले कुकर में 1 कप के करीब पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से कटहल में कलर बहुत ही प्यारा आएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कटहल। तो यहाँ पे मैंने कटहल को बिल्कुल इस साइज़ का कट कर लिया है। उसके बाद से हम लोग इसमें ऐड कर देंगे कुकर में। कुकर में डालने के बाद से अब हम लोग इसको बंद कर देंगे और गैस पे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सीटी लगा लेंगे। यहाँ पे कटहल अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम लोग इसे एक अलग बाउल में निकाल करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कटहल को बाहर निकाल लिया है। अब बारी है इसे अच्छी तरीके से फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है। यहाँ पे हम लोग कटहल को डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा हम लोग इसे फ्राई करेंगे तेल में। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। तेल जैसे ही गर्म हो गया था उसके बाद से हम लोग इसमें कटहल डाल के अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे कटहल फ्राई करते हुए मुझे कुछ मिनट हो गए हैं, 4 से 5 मिनट, और यहाँ पे कटहल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। बस फ्राई किए हुए कटहल को हम लोग साइड निकाल करके रख लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। बस यहाँ पे कटहल में ग्रेवी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 4 प्याज लिए हैं। अब इसे बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जिस हिसाब से कटहल ले रहे हैं आप उसी हिसाब से प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज को कट कर लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर। अब कुकर में डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो तेल यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। कुकर को गैस पे चढ़ा करके मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, बिल्कुल थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। हींग ऐड करने के बाद से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैंने करीब 9 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी हूँ। उसके बाद से इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, 5 से 6 काले मिर्च और 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद से अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक अच्छी तरीके से हम लोग तेल में फ्राई करेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बीच बीच में हम लोग प्याज को चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। करीब 3 से 4 मिनट के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं करीब 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद से एक बार अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे डालने के बाद से प्याज और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए ढक कर के प्याज को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे मसाला पाउडर। ये सब डालने के बाद से अब अच्छी तरीके से हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद से अब मैं इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। करीब 3 से 4 मिनट के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। और तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल दिख रहा है, यानी इससे पता चलता है कि मसाले यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस याद रहे, ढकते वक्त जब हम लोग इसे पकाएंगे तो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर और लीड लगा करके हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से तेल में फ्राई हो चुके हैं। तेल भी बहुत ही अच्छे से उभर कर के आया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो बस यहाँ पे जितना ही अच्छे तरीके से आप मसाला भूनेंगे ना, उतना ही टेस्टी आपका कटहल बनकर के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ देर और अच्छी तरीके से इसको मसालों को भून लिया है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना,
बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे हमारा मसाला बनकर के रेडी है। अब बस इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं करीब एक कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर हम लोग पानी में मसालों को पकने देंगे, एक मिनट के करीब। तो अब बस इसमें ऐड कर देंगे कटहल जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद से इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिलाने के बाद से यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। तो आप अपने रस्से के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सूखा पसंद है तो थोड़ा सा कम पानी ऐड कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा रसेदार पसंद है तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसे इसके ढक्कन लगा करके एक से दो सीटी लगा लेंगे इस पर। यहाँ पे एक्स्ट्रा सीटी लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये कटहल पे डिपेंड करता है कि कब सॉफ्ट होगा। तो आप एक से दो सीटी लगाने के बाद से चेक कर सकते हैं कि कटहल अच्छे से पका है कि नहीं। अगर नहीं पका तो आप एक्स्ट्रा सीटी लगा करके बना सकते थे। तो यहाँ पर मेरी कटहल की सब्ज़ी बन करके रेडी है। वाओ, देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा अगर आप इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाएंगे तो। अगर इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाएंगे ना, तो आप नॉनवेज भी खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनकर के रेडी होती है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इन्जॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय।